अविनाश जी से मैंने एक महीने पहले बात की थी इस कैंप के लिए, लेकिन किसी कारणवश ये कैंप नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली आज ये कैंप हो पाया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस स्तर पे या इस तरह से तैयारी होगी। मैं इसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ संत मरियम स्कूल को, अविनाश सर को, आदर्श सर को, उत्कर्ष सर को, और जो भी हमारे सीनियर डॉक्टर्स आए हैं, डॉक्टर अमित, डॉक्टर संजय तिवारी, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर ममता, जो भी आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सर के बुलाने पे और मेरे सर के आग्रह करने की वजह से इतना अच्छा कैंप किया। जहाँ तक किसी भी कैंप से होने वाले फ़ायदे की बात है, कहीं ना कहीं आप अगर लोकल शहर में कैंप कर रहे हैं, स्कूल में कैंप कर रहे हैं, तो जो भी जिनसे जिस पेशेंट से भी या जो बीमार नहीं है उनसे भी आप मिल रहे हैं, उनको भी सलाह दे रहे हैं, तो काफ़ी उनको फ़ायदा होता है कि किस तरह से हम सुरक्षित रहें, किस तरह से हम बीमारियों से बचें, किस तरह से हम तकलीफ़ से बचें, और अगर हमें तकलीफ़ है तो उसमें क्या इलाज वो करवा पाएँ। मेडिकल कैंप में जिस तरह से उत्साह का माहौल बना करके, और ये बिल्कुल अविनाश जी का प्रयास सफल रहे और बाकी विद्यालयों में होना चाहिए। मेरे हिसाब से 3 महीने या 6 महीने पर हर स्कूल में कैंप होना चाहिए। मेडिकल कैंप तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार चीज़ें छुपी रह जाती हैं। अगर हम स्कूल में कर रहे हैं तो बच्चे बताते नहीं है, दर्द हो रहा है तो जो जैसे पेशेंट आया वो बोल रहा है कि मेरे दांत पीले हैं, ये उसको काफ़ी समय से पता है, उनके गार्जियन को भी पता है कि मेरे दांत पीले हैं, मेरे दांत सड़े हुए हैं। गार्जियन मजबूरी की वजह से या नहीं आ पा रहे हैं उस वजह से, या बच्चे डर रहे हैं उस वजह से नहीं इलाज करवा पा रहे हैं। तो अगर इस तरह के कैंप होते रहे शहर में स्कूलों में, तो उससे कम से कम जागरूकता आएगी और मरीज चाहेंगे कि अपना इलाज जहाँ हो सके, जिस क्लिनिक में हो सके, जिस हॉस्पिटल में हो सके, वहाँ समुचित तरीके से करवा पाए। जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि डॉक्टर पेशेवर होते हैं, लेकिन क्या उम्मीद की जाए कि हाँ पलामू के जो युवा डॉक्टर जो आ रहे हैं आप जैसे, उम्मीद करें कि सब मुफ्त कैंप में इस तरह से सम्मिलित होंगे और अपना सेवा देंगे? मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जब मैंने क्लिनिक खोला था उसके बाद से जितना कैंप मैंने किया है डेंटल कैंप, मेरे कलीग, मेरे सीनियर, मेरे जूनियर जो भी आए हैं वो सारे जानते हैं कि जितना स्माइल क्राफ्ट ने एज ए होल कैंप किया उतना किसी ने नहीं किया है। और बहुत लंबे समय बाद फिर से मैंने कोशिश शुरू की है कि इस साल जितना हो सकता है, जितने स्कूलों को अप्रोच कर सकते हैं, जितने जगहों को अप्रोच कर सकते हैं, हम कैंप करेंगे, ताकि कम से कम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके। इलाज हमेशा मरीज के हाथ में होता है कि वो ए से करवाए, बी से करवाए, सी से करवाए, वो मेरा मोटिव कभी नहीं रहा है। इलाज होना चाहिए, किसी न किसी डॉक्टर से होना चाहिए, किसी